हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के जीएस यहां पे हम पढ़ रहे थे। जीएस मतलब ये सभी क्वेश्चन इस पे इंक्लूड है। छत्तीसगढ़ के जीएस में सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे आप प्री 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप व्यापम के कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, कम्प्लीट आपको छत्तीसगढ़ के जीएस पढ़ना है। तो क्लास जो है नाइट में सेशन चलती है, और यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन, यहाँ पे जीके छत्तीसगढ़ की जीके जो मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे कराया जाता है, तो इसको भी लीजिएगा। यहाँ पे पूरी डिटेल जो क्वेश्चन यहाँ पे कराया जाएगा, सभी छत्तीसगढ़ के जीएस मिक्स क्वेश्चन, जिसमें सभी टॉपिक को यहाँ पे इंक्लूड किया गया। इसका लगभग 6 या 7 पार्ट अपलोड हो चुकी है, तो इसको बढ़िया पार्ट वाइज देखिएगा। जितना ज़्यादा आप बुक पढ़ेंगे उससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन भी लगाना है, तो आप जितना ज़्यादा बुक के साथ साथ आपको क्वेश्चन लगाना भी जरूरी है। तो चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पर पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है जी? ऊपर से, नीचे से, मध्य से या आपके बाहरी से? तो छत्तीसगढ़ की जो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो आपके ऊपर से गुजरती है। कहने का मतलब क्या है, अगर अक्षांशी विस्तार देखेंगे तो आपका 17 डिग्री 40 उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री, यहाँ पे लगभग 5 उत्तरी अक्षांश तक इसका अक्षांशी विस्तार है। और देशांतर विस्तार कर रहे, जिसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, यहाँ पे 80 डिग्री 15 पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक ये आपका लॉन्गिट्यूड है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से गुजरती है जी? छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा, इसको याद रखिएगा, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, KSB, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। तो ये आपका कर्क रेखा 3 जिलों से यहाँ पे गुजरती है, मतलब यहाँ तीनों जिलों से होकर, यहाँ पे छत्तीसगढ़ के तीनों जिलों से होकर यहाँ पे गुजरती है। छत्तीसगढ़ के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है जी? ये आपका 700 से 800 किलोमीटर है, आपके उत्तर से लेकर दक्षिण तक की आपके लंबाई है। वही बात करूं मैं यहाँ पे, जो आपका जो भारतीय मानक समय, जिसको हम IST बोलते हैं, ये आपका जो है आपका लगभग देखेंगे तो ये आपका 7 जिले क्रम से आपका सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, इन क्षेत्रों से होकर यहाँ पे गुजरती है। छत्तीसगढ़ के पूर्व से पश्चिम की लंबाई लगभग 435 किलोमीटर, ये आपका लंबाई है। यहाँ पे कर्क रेखा 3 जिलों से गुजरती है, कौन कौन सा? KSB, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो 700 से 800 किलोमीटर, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ पूर्व से पश्चिम की लंबाई आपका 435 किलोमीटर है, तो इसको याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। बाकी छत्तीसगढ़ के जीएस में कंप्लीट यहाँ पर आपको कवर कराया जाएगा। यहाँ पे जितना मतलब जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ पे जो बताया जाएगा टॉपिक, उसमें यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कृषि जोतों की संख्या कितनी है? 29.5 यहाँ पे 10 लाख, 29.66 लाख या आपके 22.45 लाख या 30.18 लाख। तो आपको सभी को पता, छत्तीसगढ़ में जो 80% जो यहाँ जो लोग हैं कृषि पर आधारित है, और देखेंगे तो लगभग यहाँ पे जो कितने कृषि जोतों की संख्या, यहाँ पे कृषि जोतों की संख्या देखेंगे तो यहाँ पे 29.66 आपका इतना लाख यहाँ पे कृषि जोतों की संख्या है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि पर निर्भर जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो 65, 85, 75 या आपका 95%, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो, टायर ये आपका मतलब ये भी ऐसे मतलब क्रम जो है ये आपका मिस्टेक हो गया है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जहाँ पर देखेंगे तो कृषि पर निर्भर जो जनसंख्या कितनी है, तो 85% जो है आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़ में देखें तो कृषि पे आपका निर्भर डिपेंड करते हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ में जो धान की जो पैदावार भी अच्छी होती है, और यहाँ के जो धान होती है वहाँ विदेशों तक की, यहाँ पे जो यहाँ के जो खेती यहाँ पे विदेश तक की यहाँ के जो फसल यहाँ पे जाती है, इसको याद रखिए। 80% जो आपके कृषि पे यहाँ के जो निर्भर है, इसको याद रखिएगा। और लगभग अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? जो सबसे अधिक जनसंख्या बोल रहे थे, वृद्धि वाला जिला कौन सा है? राजनांदगांव, सरगुजा, कबीरधाम या आपका दंतेवाड़ा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कबीरधाम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला आपका कबीरधाम है, आप इसको कवर्धा के नाम से इसको जाना जाता है, इसको याद रखिए। बाकी जो है आपका जो है जनगणना जब छत्तीसगढ़ के पढ़ाया जाएगा, इसमें और अच्छे से मैं इसको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है जी? बीजापुर, कोरिया, महासमुंद या जसपुर जिला? सबसे कम जनसंख्या उसमें ज़्यादा बोल रहा है और इसमें सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजापुर जिला। याद रखें तो बीजापुर जिला जो कि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अधिकतम जनसंख्या घनत्व जिला वाला कौन सा है? जांजगीर चांपा, रायपुर, रायगढ़ या दुर्ग जिला? अधिकतम जनसंख्या घनत्व जिला कौन सा है जी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जांजगीर चांपा। तो अधिकतम जनसंख्या घनत्व जिला आपका जांजगीर चांपा है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे अगर 2011 के जनगणना से, अभी तक तो नया जनगणना आया नहीं है, तो 2011 के जनगणना से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर देखेंगे छत्तीसगढ़ और भारत दोनों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर बात करूँ घनत्व की, जो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व की बात करूँ जिसको डेंसिटी बोलते हैं, तो यहाँ की भारत की अगर मैं बात करूँ जनसंख्या जो डेंसिटी है घनत्व भारत का कितना है जी, तो ये आपका 382 है। भारत का पूछे कितना है डेंसिटी जनसंख्या घनत्व, 382 आंसर लगाइएगा। अगर छत्तीसगढ़ पूछे छत्तीसगढ़ का जनसंख्या जो डेंसिटी है कितनी है छत्तीसगढ़ की, तो 189 है, 189 छत्तीसगढ़ का है, 382 हमारे भारत का है, तो इसको याद रखिए। लिंगानुपात, ये आपके इंडिया का लिंगानुपात सेक्स रेशियो कितना है, तो आपका 943 है आपका इंडिया का है और 991 हमारा भारत का है। तो ये आपके दोनों एग्जाम में काम आएगा, मतलब किसी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर यहाँ पे लिटरेसी रेट की बात करूँ, यहाँ पे साक्षरता की बात करूँ, तो भारत की साक्षरता जो लिटरेसी रेट कितने हैं, तो 72.99% है, ये आपका भारत का है 72.99%। और वहीं छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो ये आपका 70.28%, ये आपका छत्तीसगढ़ का है, तो इसको याद रखें। दोनों डाटा आपको याद होना चाहिए और कहीं से भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है जी? जसपुर, बीजापुर, कोरबा या दंतेवाड़ा? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो ये आपका बीजापुर है। याद रखें सबसे ज़्यादा जांजगीर चांपा, ज़्यादा जनसंख्या घनत्व आपका जांजगीर चांपा में, और सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जिला आपका बीजापुर जिला है, तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिंगानुपात की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन है जी? तो बस्तर, कोंडागांव, राजनांदगांव या दुर्ग? तो लिंगानुपात की दृष्टि से देखेंगे तो प्रथम स्थान में आपका बस्तर संभाग है। याद रखिए लिंगानुपात की दृष्टि से प्रथम स्थान आपका बस्तर जिला है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। लिंगानुपात इसको सेक्स रेशियो बोला जाए, सेक्स रेशियो या आपका लिंगानुपात की दृष्टि से प्रथम स्थान आपका बस्तर संभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिलों में दूसरा स्थान किसका है जी? कोरबा, कबीरधाम, कांकेर या आपका कोरबा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरबा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला दूसरा स्थान आपका कोरबा का है और प्रथम स्थान आपका बस्तर का है, तो दोनों को आपको याद रखना। क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है, ये आपका जनगणना से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी छत्तीसगढ़ के जीएस में जब जनगणना पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बढ़िया स्पेशल बताऊंगा, जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 2011 के जनगणना से ही क्वेश्चन आपका पूछा जाए। भारत में जनगणना कब किया था जी? शुरुआत कब हुई थी? तो आपका 1875 में लॉर्ड मेयो के काल में आपका भारत में जनगणना की गई थी, इसको याद रखिएगा। नियमित जनगणना कब हुई थी जी? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय आपका नियमित जनगणना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे सभी जितना भी कंटेंट क्वेश्चन तैयार करता हूँ सभी आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। छत्तीसगढ़ में गांधी जी का आगमन सर्वप्रथम कब हुआ था? 1931 में, 1920 में, 1921 में या 1922 में? तो छत्तीसगढ़ के जो महात्मा गांधी जी का छत्तीसगढ़ में आगमन कब हुआ था, तो 20 दिसंबर 1920 में आपका हुआ था। याद रखिए 20 दिसंबर 1920 में गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था। इसके सहयोगी कौन कौन थे, याद रखिएगा सहयोगी कौन कौन थे, ये आपका मौलाना एम लिख दिए हम, मौलाना शौकत अली, ये इनके साथ आपके रायपुर आए हुए थे दिसंबर 1920 में, और इन्होंने 21 दिसंबर 1920 को धमतरी पहुँचे और वहाँ पर इन्होंने एक जनसभा को इन्होंने संबोधन किया था, और रायपुर में उन्होंने आनंद समाज जो वाचनालय है यहाँ हमारी महिलाओं को भी संबोधित इनके द्वारा किया गया था। किस कारण या कौन से उद्देश्य से छत्तीसगढ़ आए हुए थे गांधी जी? तो कंडेल नहर जो सत्याग्रह है,
कहाँ पे हुआ था, धमतरी में भाग लेने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। और इसका जो परिणाम क्या निकला, तो गांधी जी के छत्तीसगढ़ आगमन के पूर्व मतलब आने से पहले अंग्रेजों ने यहाँ पे जो कर लगाया गया था इसको वापस ले लिया गया था, इसीलिए गांधी जी आपके आए हुए थे हमारे छत्तीसगढ़ में पहली बार, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद किसे माना जाता है, सुरेंद्र साय को, गुंडा धुर को, वी नारायण सिंह को या ठाकुर प्यारेलाल सिंह को। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद किसको माना जाता है, तो ये आपको वी नारायण सिंह, वी नारायण सिंह को, इनको सोना खान विद्रोह के जो कि नेतृत्वकर्ता भी कहा जाता है, सोना खान के जमींदार थे, बिंझवार जनजाति के थे, 1856 में, याद रखें सोना खान विद्रोह 1856 में हुआ था, इसके नेतृत्वकर्ता थे वीर नारायण सिंह जी। और यहाँ पे क्यों किया गया था, तो यहाँ पे अनाज के कारण अकाल यहाँ पे पड़ गया था, इसीलिए कि इन्होंने यहाँ पे अनाज जो माखनलाल जो इनके गोदाम में यहाँ पे अनाज लूट के यहाँ पे बाढ़ दिए गए थे, इसी के चलते यहाँ पे बहुत ही बवंडर हो गया था। फिर इनको जो है स्वतंत्रता संग्राम के जो प्रथम शहीद इनको माने जाते हैं, इनको 1857 में वी नारायण सिंह को जेल से सुरंग बनाकर ये आपके फरार हो गए थे। और 1957 वी नारायण सिंह को रायपुर के जय स्तंभ चौक देखे होंगे, तो वहाँ पे इनको चार्ल्स एलियट के ने फैसले के अनुसार इनको फांसी यहाँ पे दे दी गई थी, इसको याद रखिएगा। तो ये खास करके यहाँ पे इन्हीं के चलते यहाँ पे जो है बहुत सारा हंगामा हुआ था, तो इसको याद रख, सोना खान के विद्रोह, इसे आपके वी नारायण सिंह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साक्षरता की दृष्टि से देश में छत्तीसगढ़ के कौन से स्थान है, 21वां, 22वां, 23वां या 27वां। तो साक्षरता लिटरेसी के रेट देखेंगे तो दृष्टि से छत्तीसगढ़ के आपका 27वां स्थान है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है जी, 23.24%, 21.06%, 22.02% या 23.05%। छत्तीसगढ़ में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में नगरीय जनसंख्या जहाँ पे नगर में निवास करते हैं जो जनसंख्या, इसको नगरी कितना प्रतिशत निवास करती है, 23.24% यहाँ पे नगरी जनसंख्या का प्रतिशत है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी भूमिगत और यांत्रिकृत कोयला खान किस जिले में स्थित है, बिलासपुर, सरगुजा, कोरिया या कोरबा में। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत की सबसे बड़ी भूमिगत और यांत्रिकृत जो आपके मशीनों से यहाँ पे कोयला जो निकाली जाती है, और कोयला खान किस जिले में है, तो ये आपके कोरबा है। कोरबा को यहाँ पे ऊर्जा धानी के नाम से भी इसको जाना जाता है, मतलब डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोयला के लिए यहाँ पे बहुत ही फेमस है कोरबा, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल कहाँ बनेगा जी, रायपुर, दुर्ग, सरगुजा या बस्तर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्ग के। तो भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल कहाँ बनेगा, तो ये आपका दुर्ग में बनने जा रही है, जो नंदनी खुंदनी है इसको जो है इसको डेवलप किया जा रहा है। इसके लिए जो सरकार ने 3.5 करोड़ रुपये इसके लिए यहाँ पर खर्चा करेगी, और ये आपका देखते हैं अब कब बनने जा रही है, सभी जो भूपेश बघेल जी के द्वारा ये आपका कहा गया है, घोषणा करी गई है। तो भारत के सबसे बड़े एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल आपके दुर्ग में बनने जा रही है, इसके लिए सरकार लगभग 3 करोड़ रुपये इसके लिए बजट प्रस्तुत की गई है। तो देखते हैं हम कब तैयार होता है, तो आपके दुर्ग में बनेगा, जो कि एक मानव निर्मित जंगल है दुर्ग में, तो इसको याद रखिए, 3 करोड़ इसकी बजट रखिए। तो चलिए आज का सेशन हम यही तक रखते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आज के सेशन कैसे लगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, यही तक रखते हैं। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।